प्रकाश जी, आज आप यहाँ कादरगंज घाट पर हैं। कादरगंज घाट पर बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं, और आप यहाँ क्या करने के लिए आए? स्नान करने के लिए आए हैं, और भी कुछ करने का? सर, हम गंगा के साथ साथ भी आते हैं, गंगा के लिए भी पूरा कलर होता है, बाहर के निकालते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि ये इसमें न डालें। जी, बाहर रहने दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और हमारे साथ एक छोटा सा बालक भी आया हुआ है। और भाई, तुम क्या कर रहे हो? डंडा वंडा लेकर के आ रहे हो? गंगा जी की सफाई कर रहे हो? अच्छा, तो तुमने गंगा जी की सफाई में क्या क्या काम किया था? हाँ, कूड़े में क्या क्या चीजें निकाली थी आपने? हाँ, अच्छा, और हाँ बताओ बताओ, और बहुत कुछ निकाला था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? राजा बाबू, आप तो सीटी भी लेकर के घूम रहे हैं, तो सीटी भी बजाते हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जागरूक करने के लिए लोगों को सीटी बजाते हैं, बहुत अच्छे। चलिए राजा बाबू, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में पढ़ने वाले राजा बाबू भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारी धरोहर माँ गंगा की सफाई के लिए गंगा रक्षक दल ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और घाटा भी पूरी तरह सफाई हो चुकी है। अब घाट बहुत साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं, और ये बहुत ही सुखद पल है। कादरगंज घाट में पहली बार किसी संस्था के द्वारा प्रयास किया गया है कि पूरे घाट को पूरी तरह पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया है। दूर दराज तक देख रहे हैं हम, तमाम सारे हमारे स्वयं सेवक यहाँ पर लगे हुए हैं, और हमारे पटियाली और गंगडंडवाड़ा क्षेत्र से जो कि शासन प्रशासन के कर्मचारी है, वो भी इसमें पूरा सहयोग दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान, नगरिया के ग्राम प्रधान है हमारे बादल जी। बादल जी का हमने उत्साह देखा, बादल जी का तरीका देखा, बादल जी के लोगों का कार्य करने का शैली देखी, तो बहुत अच्छा लगा। बादल जी, बहुत अच्छी बात है, आप अपने लक्ष्य में कितना सफल हो गए हैं बादल जी? हमें लगता है सभी लोगों के सहयोग से जी, हम लगभग 85% तो क्लियर हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात, सफाई अभियान में। और हमारा अनुमान है, हम सभी लोगों के सहयोग से और लोगों को अपनी टीम में जोड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी ने हमें कहा है, ज्यादा लोगों को जोड़िए, और अब की बार जब हम लोग आएंगे तो मेरे गांव के ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा और गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा पूरा संकल्प है कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। और लोगों को बताया है कि कोई व्यक्ति गंगा में पौड़ी तक न डाले, गंगा को स्वच्छ रखें, क्योंकि गंगा हमारी पवित्र माँ है। आइए दोस्तों, हमारे वैसे तो ये कार्यकर्ता है, लेकिन ये स्नान करके इस समय श्रद्धालु की भूमिका में है। तो ये बताइए कि आपने आज हमें पूरी तरह लग रहा है कि दोनों ही भूमिकाएं बहुत अच्छी तरह निभाई हैं, कि कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाई है। क्या शुभ नाम है आपका? अभिनव जी। अच्छा, अब आप श्रद्धालु की भूमिका में है, कमंडल हाथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है, रुदाज करने में है। तो देखिए अभिनव जी, अच्छी बात है, शोभा नहीं देगा। उसी प्रकार गंगा हमारी माँ है, हिंदू धर्म में जो इसकी आस्था है, तो वही मतलब इसके किनारे इसके वही हमने इसके मतलब साफ कराए हैं। तो आज देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक का नजारा एकदम साफ दिख रहा है आपको, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपने पूर्ण साफ कर दिया। चले जाइए आप किसी क्षेत्र में, चले जाइए, मतलब इसके किनारे जो है एकदम साफ और स्वच्छ, इसके लिए हमारा